मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेरठ में होंगे। वह यहाँ खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं। यह खेल विश्वविद्यालय सर्वधना विधानसभा क्षेत्र के सलावा गांव में बनाया जाएगा। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री के सलावा गांव में बनाए जा रहे मंच पर पहुंचने का कार्यक्रम है। इससे पूर्व शनिवार को सर्वधना विधायक संगीत सोम ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए गांव में 10 लाख दीपक जलाने की घोषणा की है। गांव में घर घर जाकर दीपक बांटे जा रहे हैं। कोरोना काल में यूं तो शादी विवाह में 200 लोगों की मौजूदगी के लिए परमिशन लेने की व्यवस्था की गई है, लेकिन विधायक का दावा है कि यहां पीएम की रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा भी कर लिया जाएगा। वाले बहुत कम लोग आए हैं, बड़ी आपत्तिजनक स्थिति है, तो जितने आप लोग के जाने वाले हैं उन्हें एक बार बता दें आप जल्दी से आ जाए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारी 2 लाख प्लस लोगों की तैयारी हम लोगों की है और बड़ी तैयारी। आप अगर रैली स्थल पे भी गए होंगे और देहात में भी जाएंगे तो बड़ी तैयारी हम लोगों की है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मिलकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं और रैली 2 लाख प्लस की हो, मतलब हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की अभी जो रैली है उनमें सबसे बड़ी रैली रहनी चाहिए। कितने भीड़ आने की उम्मीद है, कहाँ कहाँ से क्षेत्रों से? सर्दना के अलावा पूरा मेरठ जिला, सर्दना के अलावा मेरठ जिला है और इसमें मुजफ्फरनगर जिला है, तीसरा कोई नहीं है। 2 ही जिलों की एक रैली है, तीसरा इसमें कोई एक भी जिला नहीं रखा गया है और दोनों जिलों की सामूहिक बैठक है और इसीलिए हमारा टारगेट है अकेले सर्दना से 60,000 लोगों का टारगेट हमारा है, जो हम अचीव भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना उत्साह मैंने, मतलब मैं भी दो बार से विधायक हूँ, इतना उत्साह पब्लिक में आज तक मैंने नहीं देखा। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे घर पे बनने जा रही है, सर्दना विधानसभा बनने जा रही है, तो सर्दना विधानसभा के लोगों में तो ऑटोमेटिक इतना जोश है कि मतलब सोच से परे का जोश। विधायक जी, सर्दना के लोगों ने क्या कुछ खास तैयारी की है? सर्दना के लोगों ने वैसे तो रोज अपने अपने तरीके से कर ही रहे हैं, लेकिन आज 1 तारीख को रात 8 बजे पूरी सर्दना विधानसभा के लोग एक साथ दिवाली मना रहे हैं और उसमें हमने 10 लाख दिए जलाने का टारगेट रखा था जो गांव-गांव में बंट चुके हैं और आप देख भी रहे होंगे, अगर नीचे आपने देखा होगा वो दिए की तैयारी चल रही है। हम 10 लाख दिए जला के एक साथ सामूहिक 10 लाख दिए जलेंगे हर गाँव में, जिससे हमारे कल जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनका स्वागत में दिवाली मना के उनका स्वागत करने का काम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।